हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ गाइस आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, तो गाइस यह वीडियो जीपी धर्मात के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो गाइस यह वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। ठीक है, तो वीडियो गाइस शुरू से आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, जस्ट अभी हम लोग आ रहे हैं SIT हॉल से, यानी कि मीटिंग से। ठीक है, आज ही मीटिंग था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम भी होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी किए थे, बट गाइस बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं भी कर पाए थे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, एंड गाइस ये मीटिंग किस लिए था और मैच डे के दिन क्या क्या होने वाला है, एंड गाइस उस जो भी कंपटीशन होगा तो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा, एंड कंपटीशन का कंटेंट क्या होगा, सारा चीज़ आप लोग को क्लियर करेंगे हम और सिद्धार्थ मिल करके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज सिद्धार्थ एंड आई एम फ्रॉम मेटलर्जी ब्रांच ऑफ जीपी धनबाद। So let's talk about the today's meetings and the purpose of making this video. So आज हम लोग SIT हॉल में गए थे, जैसा कि राहुल ने आपको बताया। तो SIT हॉल में हम लोग जाने के बाद देखे कि वहाँ पे सीनियर्स प्रेजेंट थे और कुछ टीचर प्रेजेंट थे और एलोरा मैम प्रेजेंट थी, जो कि आई थिंक मीटिंग को होस्ट कर रही थी। तो एक्चुअली में ये मीटिंग रखा गया है क्योंकि हमारे जीपी धनबाद में 22 दिसंबर को, जैसा कि आप जानते हैं कि रामानुजन सर के बर्थडे पे ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए मैथमेटिशियन डे, तो इसीलिए जीपी धनबाद में ये मीटिंग रखा गया था। तो इस दिन कॉलेज में भी फंक्शन होने वाला है, इसी के लिए हम लोग को बुलाया गया था। कुछ लोग वहाँ पे उपस्थित थे, कुछ लोग नहीं थे। जो नहीं थे उनके लिए ऑनलाइन लिंक भेजा गया था व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जुड़ नहीं पाए होंगे मुझे पता है, इसलिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए। और टाइम जैसे कि लिमिटेड है, कल ही एग्ज़ाम है, क्विज होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देते हैं क्या होने वाला है। क्विज होने वाला है, स्पीच होने वाले हैं, क्राफ्ट आइडियाज अगर हैं किसी भी स्टूडेंट के पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो क्विज में पार्टिसिपेट लेने के लिए कल एग्जाम होगा, लिमिटेड टाइम है, इसलिए वीडियो बना दे रहे हैं। कल यानी कि 16 दिसंबर को, ठीक है, 16 दिसंबर को एग्जाम होगा। एग्जाम होगा पहले नंबर क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए प्री टेस्ट होगा। पहले प्री टेस्ट होगा, कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उस दिन ज्यादा बच्चा लोग को सिर्फ वहां पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, वैसे बच्चे को उस दिन प्रेजेंट किया जाएगा क्विज के लिए, ठीक है, जो कल प्री टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। तो उसके लिए गाइस आप लोगों को पहले से यहाँ पे जो कल प्री टेस्ट होगा उसको पहले क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, और गाइस ये क्यूज रिलेटेड टू ओनली फॉर रिलेटेड मैथ है। ठीक है, ओनली फॉर मैथ में पार्टिसिपेट करने के लिए, कल के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए नाम आपको आज ही एड करवाना होगा, क्योंकि कल इतना टाइम नहीं होगा और टाइम बताया गया है कि 11:30 बजे से पहले आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, तो टाइम एड करने का टाइम नहीं है। अभी कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उससे नाम ऐड करवा सकते हैं। जैसे आपको और भी नीचे एक दो नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है, मैं अपने सीनियर्स का, जिससे आप कॉन्टेक्ट करके इस सेमिनार से या फिर इस कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको डाउट होगा वो चीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं गाइज। ठीक है, तो गाइज ओवरऑल मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिसको भी जो रिलेटेड डाउट होगा, ठीक है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर भी वहाँ पर भी आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन मैथ्स डे को लेकर ही था। एंड गाइज कल आप जरूर, अगर आप मैथ से रिलेटेड थोड़ा है, अगर मैथ में इंटरेस्ट है, तो कल क्विज को ज्वाइन करें। एंड जो कि गाइज क्विज का टाइमिंग है सुबह, शायद आपको 10 बजे रिलेटेड आपको कॉलेज पहुंच जाना होगा गाइज। ठीक है, यू हैव टू अराइव देयर बिफोर 11:30, बिकॉज उसके बाद आपको बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आई थिंक इट इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर फर्स्ट सेम स्टूडेंट, जो नए आए हैं उनके लिए पहला अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने